पहले हमने आपको बताया था कि जब सूर्य मंगल और बुध एक साथ हों तो ऐसी स्थिति में जो युति इस महीने में चल रही है कि भानु भौम बुधैर योगे ख्यातः साहसिको नरः निश्वरो गतलज्जस्त धन स्त्री पुत्र समन्वितः, अर्थात अगर सूर्य मंगल और बुध एक साथ हो जाएं तो ऐसा व्यक्ति साहसिक होगा, धन धान से परिपूर्ण होगा। और अभी तो ये तीनों ग्रह बुध में उच्च का होकर के बैठे हैं, तो हमने इसके पहले मिथुन राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए और वृक राशि वालों के लिए बताया था कि ये जो अक्टूबर का महीना है ये आपको मालामाल करने वाला है। अब आज हम आपको अन्य राशियों के बारे में बताएंगे कि ऐसा नहीं है कि इन्हीं तीन का लाभ होगा, अन्य राशियों को भी लाभ होगा। तो कैसे, किन राशियों पर क्या लाभ होगा, इस पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। आज हम सबसे पहले मेष राशि के बारे में भी आपसे बात करेंगे। देखिए, ये मेष राशि की गोचर की कुंडली है इस महीने की, जो अभी काफी चर्चा में विषय रहा है कि मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए, वृक राशि वालों के लिए और वृश्चिक राशि वालों के लिए ये अक्टूबर का महीना मालामाल करने वाला हो रहा है। इनकी वजह से सूर्य मंगल बुध कन्या में जाकर के बैठे हुए हैं। तो जो मेष राशि की जो गोचर कुंडली है वो आपके सामने ये है, और इसमें आप देख रहे हैं कि लग्न में राहु और गुरु बैठे हैं। तो राहु जहाँ लग्न में बैठ करके आपको रोगी और क्रोधी बनाते हैं, वहीं गुरु बैठ करके आपको राजा द्वारा, हालांकि वक्री हैं तो वक्री जो सौम्य ग्रह वक्री होते हैं तो वो फल जितना मिलना चाहिए उससे कम देते हैं, लेकिन गुरु जो हैं बैठ करके ये यहाँ लग्न में बैठ करके ये धन धान्य वाला बनाएंगे और राजा द्वारा पूजित ऐसा भाव ले आते हैं। शुक्र आपके सुख मार्ग पर यहाँ बैठे हुए हैं, कर्क कर्क के शुक्र बैठे हुए हैं। ये कर्क के जो शुक्र हैं ये भी स्त्री संतान आदि से युक्त करते हैं, सुख में अभिवृद्धि करते हैं। जहाँ सूर्य मंगल और बुध यहाँ छठवें भाव में सत्व भाव में बैठे हैं, तो सूर्य यहाँ बैठ करके आपको लोक में पुजवाता है, आप लोक में संपूज्य होते हैं, लेकिन मंगल खराब है। मंगल यहाँ छठवें स्थान में, ऐसा बताया जाता है कि मंगल जो है वो खराब होता है। हालांकि बुध यहीं बैठ करके, उच्च का बुध बैठा हुआ है कन्या का जो शत्रुजित है, किंतु मंगल शत्रुओं से पराजित होने वाला है, बल्कि लड़ाई में मंगल मारक ग्रह है। तो बुध चूंकि यहाँ उच्च का होकर के बैठे हैं इसलिए मंगल का यह प्रभाव उतना नहीं रहेगा, किंतु यह मिला जुला असर आपको दिखाएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी कुंडली में है वो है यहाँ 11वें भाव में शनि वक्री, वक्री के शनि हैं और स्वराशीष हैं, अपनी राशि में ही बैठे हैं। कुंभ में बैठ करके शनि यहाँ आपके आय के स्थान को देख रहे हैं, तो यहाँ आय आपकी काफी वृद्ध आय में अभिवृद्धि होगी। तो ये जो मेख राशि के हमारे जातक हैं वो इस भाव से निश्चिंत हो जाएं कि जहाँ वृक्ष मिथुन वृश्चिक राशि को माला माल होने के बारे में मैंने आपसे बताया था, वहीं मैं आपको दो चीजों की ओर बता रहा हूँ। एक तो सुख स्थान पे यहाँ शुक्र आ गए हैं, ये कर्क के शुक्र होकर के बैठे हैं, तो चंद्रमा के घर में शुक्र जाकर के बैठे हैं, तो चंद्रमा के घर में ये शुक्र बैठने से आपके सुख में अभिवृद्धि होगी, स्त्री संतान को ये अच्छा फल देंगे। और वहीं आपके स्वराशीष होकर के शनि बैठे हैं 11वें भाव में, तो ये भी आपको आपकी आय में, पवित्र आय में हर तरह से अभिवृद्धि करते हैं, ये आपको हर तरह से सुख पहुंचाएंगे। गुरु आपका अच्छा है लेकिन राहु फिर पुनः आपका नुकसान करने वाला है। ये दोनों का अगर योग मान लीजिए, क्योंकि ये गुरु चांडाल योग भी यहाँ बन रहा है, तो लग्न में गुरु चांडाल योग बनने पे इसका जो फल है वो कदाचित कम हो जाता है और ये उतना फल नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी ये कुल मिलाकर मेख राशि के जो हमारे जातक हैं वो भी, उनको भी प्रसन्न होना चाहिए। मैं उन्हें भी बधाई दूंगा कि ये जो महीना है इसमें शनि महाराज आपकी आय में चौतरफा वृद्धि करेंगे, घर परिवार में आप सुखी रहेंगे और सूर्य आपको लोक में संपूज्य कराएगा, गृह सुख देगा, शत्रुजित बनाएगा। मंगल जरूर नुकसान पहुंचाता है लेकिन चूंकि बुध आपको यहीं बैठे हुए हैं, उच्च के बुध हैं, इसलिए आपका यहाँ कोई नुकसान नहीं होगा इस ग्रह की वजह से। तो ये है पूरा जो मेष राशि के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। और पुनः मैं आपको वो श्लोक जो मैं कई बार इसको सुनाता हूँ कि भानु भौम बुधैर योगे ख्यातः साहसिको नरः निष्ठुरो गतलज्जश्च धन स्त्री पुत्र मंडितः, कि जब सूर्य मंगल और बुध एक साथ हो, उनकी युति एक साथ हो, तो भानु भौम
ध्यान भौम और बुध के योग से व्यक्ति ख्याति लब्ध होता है, साहसिक होता है, थोड़ा निष्ठुर हो जाता है, लेकिन धन स्त्री पुत्र से मंडित होता है। और वहीं बुध जब उच्च का होकर के बैठ जाए तो वह और इसमें अभिवृद्धि करता है। सूर्य भगवान यहाँ बैठ करके लोक में आपको संपूज कराएंगे, गृह सुख देंगे, शत्रुजित बनाएंगे। मंगल खराब है लड़ाई में, कई बार मंगल मारक ग्रह है तो युद्ध में मारने तक की बात आ जाती है कि मृत्यु हो जाए, लेकिन बुध फिर यहाँ शत्रुजित बैठा है तो इसलिए ये न्यूट्रल हो जाएगा और कोई किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। तो मेष राशि के जो हमारे जातक हैं वे भी अपने में प्रसन्नता का अनुभव करें कि ये माह उनके लिए कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। तो देवियों और सज्जनों, आपने देखा इस चार्ट में कि मेष राशि वालों के लिए भी ये महीना शुभ होने जा रहा है। आपके घर में कुछ खुशी का वातावरण रहेगा। जहां आपको नेत्र रोग थोड़ा सा होगा, रोग होगा, कष्ट होगा, ये मौसम भी ऐसा चल रहा है जिसमें कंजंक्टिवाइटिस वगैरह का रोग चल रहा है, तो उससे आपको सावधान रहना है। लेकिन साथ ही ये शनि आपको भरपूर धन की प्राप्ति कराएंगे और शुक्र आपके सुख भाव में चंद्रमा के साथ चंद्रमा के घर में बैठ करके ये भी स्त्री पुत्र परिवार में सुख की अभिवृद्धि करेंगे। और छठे भाव में सूर्य मंगल बुध एक साथ होकर के सूर्य आपको हर तरह से शत्रुजित बनाएगा और आपको लाभ पहुंचाएगा, लोक में संपूज कराएगा। मंगल वहां हानिकारक है लेकिन बुध के होने की वजह से वो दोनों चीजें न्यूट्रल हो जाती हैं, क्योंकि बुध उच्च का है। तो इस प्रकार मेख राशि के जो जातक हैं, मैं उन्हें भी इस महीने में उनके अच्छी धन की प्राप्ति के लिए, उनके परिवार में हर प्रकार की सुख समृद्धि और शांति के लिए एडवांस में शुभकामनाएं देता हूं।